हेलो एवरीवन, दिस इज अजी मिंटर सुष्मिता त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग वाला। स्वागत है आप सभी का आज की सेशन में। सो इफ एम ऑडिबल विजिबल, सब कुछ ठीक है तो बताओ। हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं, क्लासेस को नहीं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एवरीथिंग ओके, शैल वी स्टार्ट इट? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो देख लेते हैं कि कल किसके किसके आंसर्स आए थे। ओके, तो चलो एक एक बारी फटाफट देख लेते हैं किसने किसने कल आंसर किए थे। जैसे आप लोग देख सकते हो, काफ़ी लोगों के आंसर्स थे कल, थैंक यू सो मच। मतलब इट वाज अप्रोक्स 63 कमेंट्स थे, तो वो अपने में एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने लोगों ने आंसर्स किए थे। 63 बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, चलो देख लेते हैं किसके किसके आंसर्स थे, एक बार सबका नाम देख लेते हैं। ऋचा जानवी, निदा, रोहित, पारस, अतियुषी, देन मिथिलेश, सुजीत, पल्लवी, मेघा, मान्या, अनीता, मुकेश, पी डब्ल्यू लवर, मदाकम, प्रियंका, पीयूषी, ग्रेसी, प्रदीप, शुभराम, के रंजर, श्रद्धा, कॉन्सेप्ट ड्राइविंग, ऋतुजा, शशि, क्रिस्टी, शिव पूजन, नाजरा, नबानिता, सर्वेश, विवेकानंद, श्वेता, अंजना, रिशु, देन संजय, आजम सिंह बोल रहे थे टाइम पास क्यों करते हो दिखाकर कमेंट, इससे बच्चा इनकरेज होकर और कमेंट करता है, मैं इसलिए दिखाते हैं, ठीक है। देन संजय, मोनिका, गणेश, सूरज, साश्वती, इनर चाइल्ड, एस नारायण, तनवर, प्रथा, मुराना, ऋषि, कोमल, सृष्टि, अमन, राकेश, इमी, रिचा एंड जानवी। तो कल इतने लोगों ने आंसर्स किए, थैंक यू सो मच फॉर दिस। इतने लोगों के आंसर्स आए थे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि कितने सारे बच्चे जो है इनकरेज होकर के आंसर्स कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, इतने लोगों के आंसर्स हैं। अब चलो देख लेते हैं कि आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करने की कंडीशन में खुद ही नहीं हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं आपको मोटिवेट कैसे करूँ, बट ठीक है, दैट इज़ माई वर्क, आई हैव टू डू दिस, ठीक है। और इसके अलावा हेडलाइंस हैं, तो हेडलाइंस देख लो, ठीक है, कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके चलो, 63 कमेंट्स थे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि करंट अफेयर्स के सेशन में इतने सारे कमेंट्स आ गए थे, 63, विच वॉज वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स। चलो देखो, ज़रा देखिएगा, गुड मॉर्निंग। चलो अभी सब कुछ क्लियर है ना? देखो, जैसे देख सकते हो, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। तो ये एटीट्यूड आप सभी के अंदर चाहिए, तभी जा कर के ये क्रैक होता है कोई भी एग्जामिनेशन। कुछ भी अगर हम चाहते हैं ना कि हमें सिलेक्शन मिले, तो ऐसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि देखो जिस रास्ते पर चल रहा हो ना, वो आपकी रास्ता तो बहुत ज़िद्दी है। ऐसे नहीं किसी को भी सिलेक्शन मिल जाता है कि रैंडम कुछ भी हो रहा है, वो तो बहुत ज़िद्दी है, वो तो भाई वहाँ पर बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। जो आपकी मंजिल है वो भी बहुत ज़िद्दी है, उसमें भी बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत सारा कंपटीशन है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप जिस विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो ना, वो भी बहुत ज़िद्दी होना चाहिए, ताकि आप इन दोनों को क्या कर सको, इन दोनों को आप पछाड़ सको। तो जाहिर सी बात है भाई, भले कोई कितना भी ज़िद्दी हो, लेकिन आपके डिटर्मिनेशन से ज़्यादा ज़िद्दी कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। ये अगर सोच लोगे कि यहाँ पर तो बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, किसी का कुछ नहीं हुआ, मेरा क्या ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इसको हमेशा जिद्दी रखना होगा, है कि नहीं दोस्तों, बताओ, इजंट इट? राजिया का बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे राजिया, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, आई विश यू सक्सेस। चलो ग्रेट, ठीक है, बढ़ा जाए हम लोग। तो देख लो आज हमें क्या क्या हेडलाइंस करनी है। हमारे हेडलाइंस कहाँ गई? अच्छा, पहले हम क्वेश्चन करते हैं फिर हेडलाइन करते हैं, सॉरी पीपल। तो पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर हेडलाइन पे चलते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है
कि मैथिली ठाकुर को अपॉइंट किया गया स्टेट आइकन इलेक्शन कमीशन के द्वारा, किस राज्य ने इन्हें अपॉइंट किया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, बिहार या पंजाब? तो ये करने वाला कौन सा राज्य था दोस्त? द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी बिहार। बिहार ने इन्हें अभी अभी अपॉइंट किया आपने वहाँ पर। क्या अपॉइंट किया है? स्टेट आइकन। ठीक है, किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने इन्हें अपॉइंट किया। ठीक है, नेक्स्ट। नलिन नेगी, जो कि अभी अभी एक इंटरिम सीईओ बनाए गए हैं, कौन सी संस्था के इंटरिम सीईओ नलिन नेगी जी बनाए गए, ये क्वेश्चन है। तो ये भारत पे के इंटरिम सीईओ अभी अभी अपॉइंट किए गए हैं, ये पॉइंट भी याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन से बैंक ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विथ माइक्रोसॉफ्ट ताकि अपनी बैंकिंग सर्विस और बैंकिंग एप्लीकेशन को और बेहतर कर सके? तो ये करने वाला आपका यस बैंक था। यस बैंक ने अभी अभी इस एमओयू को साइन करा है। ओके, नेक्स्ट। इनमें से कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अभी अभी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी ग्रीनको के साथ में ताकि ग्रीन मॉलिक्यूल सॉल्यूशन लेकर के आए? तो ये करने वाली कौन सी थी? ग्रैन्यूल्स इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट। इंडियन टूरिस्ट किस नंबर के विजिटर हो चुके हैं सिंगापुर में? तो इंडियन टूरिस्ट ने नया रिकॉर्ड बना लिया और सबसे ज्यादा विजिट करने वाले ये लोग बन चुके हैं फिलहाल में, कहाँ पर? सिंगापुर के अंदर। ओके, नेक्स्ट। अभी अभी 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस हुई है, कहाँ पर हुई थी ये? ये आप लोगों की नागपुर के अंदर हुई थी, नागपुर यूनिवर्सिटी, विच वी हैव डन यस्टरडे ओनली। रिसेंटली DPIIT हैज फ्लोटेड ड्राफ्ट कंट्रोल ऑर्डर फॉर, तो DPIIT ने अभी अभी ड्राफ्ट कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रोडक्ट्स के लिए ला कर रखा है? 16 प्रोडक्ट्स के लिए लेकर के आए हैं ये। ठीक है, DPIIT का पहले नाम क्या हुआ करता था? DPIIT का नाम इसके पहले हुआ करता था DIPP, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट। UIDAI ने अभी अभी रेसिडेंट फ्रेंडली फैसिलिटी शुरू कर दी है ताकि एड्रेस लोग आसानी से अपने अपडेट कर सकें। जो भी हेड ऑफ फैमिली होगा वो कितने वर्ष का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन, द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया संविधान उद्यान कहाँ पर? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है जयपुर के अंदर। ठीक है, किसकी बात हो रही है? संविधान उद्यान की बात हो रही है। इसके अलावा जैसा कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है क्राइसल के द्वारा, जो इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है 12 से 14% तक बढ़ेगी, और कितना रेवेन्यू कमाने वाली है? तो ये लगभग इनका रेवेन्यू कितना होना था दोस्तों, बताइएगा? हाँ, जयपुर उसका सही बतायो। अब जरा ये बताइएगा कि कितना रेवेन्यू कमाने को बताया जा रहा था, कितना रेवेन्यू कमाएंगे? 1.6 और 1.4, यस 1.6 लाख करोड़ इनका रेवेन्यू होगा। ओके, चलो मैम, PDF कहाँ मिलेगी? इमी मुझे याद है, मुझे बाय माउथ याद है, बाय वर्ड्स याद है कि कौन कौन सी न्यूज़ थी। एक आपका PMI था और एक आपका उत्कर्ष 2.0 था। तो ऐसा नहीं है कि वो हम छोड़ देंगे, उसे हम करेंगे, ठीक है, लेकिन बार बार घबराओ नहीं, बिकॉज आज की भी जो न्यूज़ रहती है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए मैं स्किप करके किसी पे नहीं जाती हूँ। ठीक है, चलो खैर, तो सबसे पहले देख लो भाई आज की हेडलाइंस हमारी क्या क्या है। आज की हमारी हेडलाइंस, इंडिया जो है ये अध्यक्षता लेने वाला है एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है IIT धनबाद से। PM ने राइनो कंजर्वेशन का जो एफर्ट रहा है आसाम के द्वारा, जीरो पोचिंग इंसिडेंट देखने को मिला है, तो इसको PM ने सराहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट मिल करके साइन कर रहे हैं एक MOU ताकि एजुकेशनल फैसिलिटी दी जा सके अग्निवीर्स को। रक्षा मंत्रालय ने डेडिकेट किया है हमारे देश को 28 BRO इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश से। NTPC ने पहली बार भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करनी शुरू कर दी है पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस के साथ में। टारगेट है झारखंड सरकार का 9 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट और ADB ने तमाम लोन अग्रीमेंट साइन किए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का अच्छा हो सके। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, और आर्मी ने पहली बार एक महिला ऑफिसर को सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर डिप्लॉय किया है। इस बार इन्होंने बेस कैंप पे नहीं लेकिन ग्लेशियर पे डिप्लॉय किया है। तो ये आज की सारी न्यूज़ है जो हम करने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी तो बताओ। एवरीथिंग ओके? शैल वी स्टार्ट इट? शुरू करें अपनी क्लास को सभी लोग? कोई दिक्कत दुख परेशानी किसी को?
आज बहुत सन्नाटा सन्नाटा सा लग रहा है। दुखी हो क्या तुम लोग भी आज? मैम सिंगापुर वाले क्वेश्चन में रैंक वर्ड हिसाब तो मैम मेरा 2 दिन का क्लास मिस हो गया। कोई बात नहीं, आज कर लो, 2 दिन का फिर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लास मिस हो गया तो क्या ही हो जाएगा। क्लास मिस हो गया तो जाने दो। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को और हम देख लेते हैं एक एक करके अपनी सारी की सारी न्यूज़ को। ओके नाउ मैं क्यों सैड हूँ बताऊँगी आप लोगों को। शायद आप लोग भी हो, या तो हो सकता है शायद आप लोग खुश भी हो जाओ। हाँ 12 बजे वाली क्लास 13 दिन की लगी हुई है तो वो आपकी क्लासेस डेली होंगी, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे आप लोग सजेस्ट करिएगा, मैं एक बात पूछना चाहती थी। इन केस अगर मैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लेना चाहती हूँ तो आपके लिए बेस्ट सूटेबल टाइम क्या रहेगा? शाम के 5 बजे, 10 बजे या 8 बजे? कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल टाइम होगा? शाम के 5 बजे, रात के 10 बजे या शाम के 8 बजे? किस टाइम पे करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मुझे लेना चाहिए बताइएगा सभी लोग। रात के 8 बजे की मैंने बात करी है। हाँ अब इतने मिक्स रिस्पॉन्स आ गए कि कोई किसी डिसीजन पे आ ही नहीं पाएगा। एम की क्लास चलती है, वो भी एक प्रॉब्लम है। द थिंग इज कि आपकी ये जो क्लास हो रही है मैं ये 15th के बाद से नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगी। कोई और इस क्लास को 15th के बाद से कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो मुझे जो है बेसिकली आप लोगों के साथ में शाम में इंगेज होना पड़ेगा किसी टाइम पे, या तो 5 बजे, या तो 8 बजे, या तो 10 बजे। इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि किस टाइम पर किया जा सकता है। रात में 10 बजे? तो आपको जिस भी और टाइम पे लगता है कि हाँ इस टाइम पे सूटेबल होगा, ठीक है। गिफ्ट मुझे भी मिला, सिर्फ तुम्हें नहीं, ये गिफ्ट मुझे खुद भी मिला है और मुझे कल ही मिला है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ में इस बात को बहुत क्लियरली डिस्कस कर रही हूँ कि ऐसा कौन सा टाइम हो सकता है जब मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। 5, 8 या 10? कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि आपने इस बात में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो आप लोग कमेंट करके इस बात को बता सकते हो कि सूटेबल टाइम क्या होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग फटाफट अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। आज एडिटोरियल भी नहीं है तो आज हमें कोई जल्दी ख़त्म करने की टेंशन भी नहीं है, और आज मैं ऐसे भी बहुत दुखी हूँ तो बहुत धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगी। चलो ठीक है, सबसे पहली खबर देखो। इंडिया जो है ये अध्यक्षता लेने वाला है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया जो है ये एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अब अध्यक्षता लेने वाला है, ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा भारत है ये अब अध्यक्षता लेने वाला है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की। विनय प्रकाश सिंह जो कि पहले रह चुके हैं मेंबर पर्सनल पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के, ये चार्ज ले लेंगे अब सेक्रेटरी जनरल का यूनियन के लिए 4 सालों के लिए। ये बड़ी बात है, ठीक है, 4 सालों के लिए ये चार्ज लेने वाले हैं। इसके अलावा जो इनका हेड ऑफिस है ये कहाँ पर है? ये बैंकॉक थाईलैंड के अंदर होता है। किसकी बात हो रही है? APPU की बात हो रही है। जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 32 32 इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा APPU
ये एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है यूनाइटेड नेशंस की। जो गोल होता है वो होता है फैसिलिटेट और इम्प्रूव करना पोस्टल रिलेशंस को। तो ज़रा हम लोग कुछ बातों पे ध्यान से फोकस कर लें एक बारी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये APPU होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ये बात समझनी होगी कि ये APPU क्या होता है, ठीक है। इस बात को हमें समझना होगा, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे अपनी न्यूज़ की तरफ। ओके, ज़रा देखो दोस्तों, पोस्टल तो आप लोगों को पता होगा पोस्ट क्या होता है ना। तो जो APPU है ये एशियन लेवल पर इसी को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये एशियन लेवल पर इसी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। देखो एक एक बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो खबर हमने ये देखी कि इंडिया जो है ये अब लीडरशिप ले लेगा APPU की। बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडिया अब क्या करेगा, ये अब लीडरशिप लेने वाला है इस पर्टिकुलर संस्था की, APPU की। ये क्या करने वाला है, लीडरशिप लेने वाला है, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, तो APPU का जो काम होता है वो बेसिक यही होता है कि पोस्टल का जो यूज़ है या उसको प्रोमोट करना, कोऑपरेट करना, जो भी सर्विसेज वगैरह होते हैं उसको प्रोमोट करने का काम इनका होता है। कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, 32 मेंबर्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 32 मेंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये किसकी एक स्पेशलाइज्ड संस्था है, तो ये एक स्पेशलाइज्ड संस्था हो जाती है किसकी, यूनाइटेड नेशंस की। एक स्पेशलाइज संस्था है, जैसे यूनाइटेड नेशन की बहुत सारी स्पेशलाइज संस्थाएं हैं, वैसे ये भी उसकी एक स्पेशलाइज संस्था है जिसका मकसद होता है पोस्ट को डेवलप करना, कोऑपरेशन उनके बीच में अलग अलग जगह पर बढ़ाना और उसका इस्तेमाल करके और आगे बढ़ना। ये बेसिक काम हो जाएगा आपके APPU का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, कौन लीडरशिप लिया है, कितने मेंबर्स हैं, कहाँ पर हेड ऑफिस है, थाईलैंड के अंदर हेड ऑफिस होता है, और किसकी एक स्पेशलाइज एजेंसी होती है, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज एजेंसी होती है, जो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल में अगर हम बात कर लें कि इस संस्था के, हमारे देश में चूंकि हम लोग प्रेसिडेंसी ले रहे हैं, तो इस संस्था के चेयरपर्सन कौन बनाए गए या सेक्रेटरी कौन बनाए गए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, विनय प्रकाश सिंह। विनय प्रकाश सिंह जी जो हैं ये फिलहाल में क्या बनाए जा रहे हैं, इनको चार्ज दिया जा रहा है सेक्रेटरी जनरल का इस यूनियन के लिए, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा आप सभी लोग कि हमारे वहाँ पर एक बैंक है जो कि पोस्टल रिलेटेड काम करता है, इस बैंक का नाम क्या होता है, फटाफट आंसर्स करो। हमारे वहाँ पर एक बैंक होता है विच इज़ वर्किंग और डूइंग वर्क रिलेटेड टू पोस्टल थिंग्स, इस बैंक का नाम क्या होता है, आंसर करो सभी। आज तुम्हारा पहला दिन है, ओके, वेलकम वेलकम। यस, द आंसर इज व्हाट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इसका नाम होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जरा ये बात याद रखे रहिएगा, शायद आप लोगों को याद भी हो, ओके। ये अपने देश में एक बैंक है, मुझे लगा कि शायद आप लोग भूल ना गए हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इनको जरा आप लोग गांठ बांधे रखना, ठीक है। चलो खैर, अगला हम देख लेते हैं। अभी फिलहाल में अगली खबर, जैसे आप देख रहे हो, हिंदुस्तान कॉपर ने एक MOU साइन किया है, किसके साथ में किया है, IIT IISM धनबाद के साथ, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर की खास बात ये होती है ना कि जो हिंदुस्तान कॉपर है ये अपने वहाँ पे इकलौता कॉपर माइनिंग वाली संस्था है, इसके अलावा कोई कॉपर माइनिंग नहीं करता है, कॉपर और माइनिंग, ठीक है। तो ज़रा देखो, डाक जानते हो, डाक, डाक का मतलब समझते हो, डाकिया, डाक लाया, वही डाक पोस्ट है, ठीक है, वही, उसी को बढ़ावा देने के लिए बातें हो रही हैं, ओके। चलो अच्छा, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बातें कर लें, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है, इन्होंने एक MOU साइन किया है IIT के साथ में, किस IIT, धनबाद। तो ज़रा ध्यान दो, एक MOU अभी अभी साइन किया गया है, किसके किसके बीच में, इस MOU को साइन किया गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर ISM धनबाद के साथ में। ये पहला टेक्निकल कोऑपरेशन है IIT धनबाद का, और ये हमारे वहाँ पे जो HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर जो है ना, ये इकलौता कॉपर माइनर है पूरे भारत के अंदर। जितनी भी माइनिंग रिलेटेड, जो भी कॉपर और माइनिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ देखने का काम हिंदुस्तान कॉपर का ही होता है। अभी फ़िलहाल में हम लोग बातें करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ ओर प्रोडक्शन होती है ये अंडरग्राउंड मोड से ही आती है, और कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ओर बॉडी के, तो डेप्थ ऑफ माइनिंग वगैरह काफ़ी अंदर तक जाता है। ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम HCL का ही होता है।
खैर ये HCL वो वाला HCL नहीं है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तो बेसिक यहाँ पे खबर क्या थी, खबर यही थी कि एक MOU को साइन किया गया है, वहाँ HCL ने इस MOU को साइन किया है किसके साथ में, IIT के साथ, ताकि मिल करके कॉपर के ऊपर क्या कर सके, थोड़ी सी छानबीन या जांच पड़ताल। ठीक है, देखो अगर हम लोग थोड़ी बातें कर लेते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, ठीक है। अच्छा एक बहुत ही दो कौड़ी का सवाल है, लेकिन अगर हो सके तो बताइएगा, धनबाद कौन से राज्य में पड़ता है? ये बहुत ही दो कौड़ी का सवाल है, लेकिन बताइएगा प्लीज कि धनबाद किस राज्य में पड़ता है। झारखंड, 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 बहुत ही दो कौड़े का सवाल हो गया था, है ना। चलो ठीक है दोस्तों, ठीक है ये झारखंड में पड़ता है। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बातें कर लें रिलेटेड टू कॉपर, ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है हु इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन होता है, तो अगर ये कभी भी आपसे पूछा जाता है याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चिली। CH देख के हमें चाइना याद आता है, लेकिन चाइना नहीं था, ये चिली था। ठीक है, जो ओवरऑल कॉपर प्रोडक्शन होता है ना वो 27% अकेले चिली के अंदर होता है। पूरे विश्व में जो कॉपर हो रहा है 27% अकेले कहाँ पर हो जाता है, चिली के अंदर हो जाता है, ना कि चाइना के अंदर। इसलिए मैं कही थी कि चाइना से कन्फ्यूज मत करिएगा। इसके साथ ही साथ में विश्व के दो जो सबसे बड़े माइंस हैं वो भी यहाँ पर ही होता है। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा कि चिली जो है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। चिली के बाद जो सेकेंड नंबर पर है वो भी चाइना नहीं है, वो भी क्या हो जाता है, पेरू। ठीक है, पेरू सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर पेरू होता है, और यहाँ पर 10% प्रोडक्शन होती है किसकी, कॉपर की। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने वाली, इन दोनों को याद रखो। अब एक और बात आ जानी चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉपर कहाँ प्रोड्यूस होता है ना, ये भी बात हमें सोचनी चाहिए कि अगर हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं पूरे विश्व में हो रहा है तो भारत के अंदर कहाँ पर होता होगा। भारत के अंदर MP के अंदर होता है सबसे ज़्यादा, जो कॉपर प्रोड्यूस हमारे देश में होता है ये MP के अंदर होता है सबसे ज़्यादा। MP के बाद से आप लोगों का राजस्थान, झारखंड, ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आप सभी लोग ज़रा याद रखे रहना। ओके, खैर किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी की, ऐसा क्यों होता है, MP, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था याद रखने वाला। किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी तो नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। ओके चलो, तो यहाँ पे हमने एक संस्था का नाम पढ़ा और इस संस्था का नाम था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। थोड़ी हम लोग अगर जांच पड़ताल कर ले हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की, देखो इनकी शुरुआत की गई है 1967 में। कब शुरू हुआ है दोस्तों, 1967 में शुरू हुआ है। और दूसरी बात आ जाती है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेड ऑफिस कोलकाता के अंदर होता है। ठीक है, इनका हेड ऑफिस है कोलकाता के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल में चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम है अरुण कुमार शुक्ला, अरुण कुमार शुक्ला। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट्स आप लोगों को जरा याद रखने होंगे। किसी को कुछ बुरा लगा, सब कुछ ओके, शैल वी मूव, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं आता। देखो अभी अगर आप लोग एग्जाम देखो ना, एक बार ही पूछ लिया था, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड पूछा था, और मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तब भी सब बच्चे आ रहे थे, मैम ऐसा क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं। अब बताओ यार, पढ़ाया हुआ आ रहा है तब भी तुम लोगों को याद नहीं रहता, ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनो। अब हमने जो भी यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया है कि MOU साइन हुआ है, किसके किसके बीच में हुआ है, सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर विश्व में कौन है, सेकेंड कौन है, इंडिया में कौन है, इंडिया में सेकेंड कौन है, तमाम बातें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है, मैम बैंक पीओ बनने के, बैंक पीओ बन के क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ेंगे, अकाउंट खोलेंगे, क्या करना है, अकाउंट खोलेंगे, हर एक तारीख को अपने
हर एक तारीख को सैलरी उठाएंगे, शॉपिंग करेंगे। अभी मिंत्रा पे आ रही है 6 से 9 की सेल, शॉपिंग वॉपिंग करना क्यों, क्या कहते हो दोस्त? इससे अच्छा क्या सुख है यार शॉपिंग से ज्यादा। अब देखो भाई, राइनो को आप लोग जानते होगे, गेंडा सभी लोग जानते होगे। हम लोग कई बार कहते भैया गेंडे हो क्या, है ना, लेकिन गेंडा ऐसी वैसी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, और इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना उससे बड़ी चीज है। तो बहुत इनके साथ में जो है ना एक बड़ी समस्या आती थी, वो आती थी पोचिंग की। लोग शिकार किया करते थे क्योंकि इनका भी तमाम इस्तेमाल होता है, ठीक है। वन हॉर्न राइनो सोचो कितनी बड़ी चीज है, स्किन्स या कोई भी चीज आप कह लो, तो मार करके और हर चीज को, जैसे आपने शायद एक मूवी देखी हो अभी एवेंजर, उसमें एक तुलुक और समथिंग एक करके वो रहता है, जिसमें बताया जाता है कि उसके अंदर से जो पर्टिकुलर मटेरियल मिलता है उससे लोग हमेशा जवान रहते हैं ना। तो होता क्या है, इन लोगों की जान को बहुत खतरा है क्योंकि इन लोगों के पास में भगवान की दी हुई ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को फायदे करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और कई लोगों का शौक होता है जानवर मारने का। खैर, तो वन हॉर्न राइनो के ऊपर भी ऐसी समस्या मंडरा रही थी 2013-2014 में, बहुत सारे पोचिंग केसेस हो रहे थे। जिस तरीके से पोचिंग चल रही थी उस हिसाब से तो इनकी अब जो तादाद थी वो बहुत कम हो जानी चाहिए, लेकिन ये बढ़ गई, ये बड़ी बात थी। खैर, तो असम में पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क इनके लिए खास तौर पर जाना जाता है। अभी फिलहाल में असम को हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने सराहा है जो भी इनकी अभी तक लिए गए स्टेप्स हैं राइनो को प्रोटेक्ट करने में। पूरे 2022 में एक भी पोचिंग नहीं पॉसिबल हो पाई, इस वजह से इनको सराहा गया है। इम्मी तुम असम से हो तो तुम क्या वन हॉर्न राइनो देखे हो? मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग बात लगती है वन हॉर्न राइनो। मुझे बचपन से राइनोसोरस बहुत ही फैसिनेटिंग लगते हैं, पढ़ती बढ़ती थी तो मुझे लगता था ये लोग कुछ अलग ही होते हैं। गौरव आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, ग्रेट, चलो आई होप तुम्हें ये क्लास पसंद आए और तुम अब फर्स्ट क्लास ना कह के सारी क्लास में हमें ऐसे ही ज्वाइन करते रहो। तो हाँ भाई, ज़रा हम लोग पढ़ लें। देखो अभी ये खबर आप लोग देख रहे हो ना, कुछ दिन पहले की एक और खबर है, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि पोचिंग की जा रही थी वन हॉर्न राइनो की। तो ये सस्पेक्शन में आया था कि शायद से वन हॉर्न राइनो की पोचिंग की गई थी असम में, लेकिन उसके बाद से बहुत तेजी से जो है ना सारे के सारे फैसले लिए गए। तो जब भी आपसे कोई बोलता है राइनो, याद रखे रखिएगा गैंडे, और गैंडे यानी राइनोसोरस के ओवरऑल कितनी स्पीसीज हैं, कितने टाइप होते हैं इनके, तो ये बात आप लोग याद रखे रहो कि इनकी जो टाइप होते हैं ये होते हैं 5 स्पीसीज। कहो टाइप कहना बहुत प्रॉपर नहीं लग रहा है, इनकी 5 स्पीसीज होती हैं। ये पता है अप्रैल में एक खबर चल रही थी, अप्रैल या जनवरी मुझे याद नहीं है, पर ये बात आई थी कि राइनो की पोचिंग सस्पेक्ट की गई थी। पॉसिबल नहीं हुआ था, पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन सस्पेक्ट किया जा रहा था, तब बहुत ज़्यादा ये लोग न्यूज़ में आ गए थे, ठीक है। खैर, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि इनकी 5 स्पीसीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक होता है वाइट, एक होता है ब्लैक, ठीक है, यानी कि एक होता है वाइट राइनोसोरस, एक होता है ब्लैक राइनोसोरस। इन दोनों की खास बातें होती हैं, ये दोनों ही अफ्रीकन रीजन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्त? ये दोनों अफ्रीकन रीजन में इन जनरल पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वन हॉर्न राइनो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसके लिए फेमस क्या है, काजीरंगा असम इंडिया, ठीक है, काजीरंगा इनके लिए फेमस है वन हॉर्न राइनो के ही लिए, ठीक है। इसके साथ में जवन और सुमत्रन राइनो होते हैं, जवन और सुमत्रन। अब ये जो आप लोग लास्ट में 3 देख रहे हो ना, ये लास्ट के तीनों स्पीसीज एशियन होते हैं। तो ये बात समझिएगा कि जो टोटल 5 स्पीसीज हमने देखी, इनमें से जो 2 स्पीसीज होती हैं ये अफ्रीकन है, और बाकी की जो 3 स्पीसीज हैं ये आपकी एशियन है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरा याद रखना होगा। अब हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं कि इनकी स्पीसीज हैं क्या है क्या है, फिलहाल में जिस तरीके से असम ने इनकी पोचिंग को प्रोटेक्ट किया है, इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से इन्हें अभी सराहा गया है। तो वही लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने कॉम्प्लीमेंट किया है असम के सभी लोगों को कि उन्होंने अपनी बहुत हिम्मत दिखाई और इनकी पोचिंग के केसेस को जीरो कर दिया है। राइनो को पोचिंग की हम बात करें इनकी, तो बहुत तेजी से गिरते देखा गया है। असम को माना ही जाता है वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस। काजीरंगा नेशनल पार्क में इस समय की बात करें 2613 राइनोज हैं इस समय में। 2021 में अगर आप देखो तो जो नंबर ऑफ राइनो, ठीक है, जो नंबर ऑफ राइनो लॉस्ट टू पोचिंग ये 21 साल में सबसे कम था, और सिर्फ एक ही राइनो की पोचिंग की गई थी।
मतलब पिछले 21 साल से पोचिंग होती आ रही थी, लेकिन ये ड्रास्टिकली लो देखा गया है और पिछले साल में ये कम होकर सिर्फ और सिर्फ एक थी। 2013 और 14 में लगभग 27 राइनो की पोचिंग हुई थी। पोचिंग जानते हो ना तुम लोग? अभी हाँ, राइनो पीछे तो पड़ जाता है भाई, अगर क्या होता है कई की बार लोग जबरदस्ती छेड़ते हैं इन लोगों को, फोटो खिंचवाने के लिए कुछ भी पड़ी रहती है, जाके बस फोटो खिंचवा लें। खैर गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब पीछे पड़ गया तो क्या ही हो जाएगा, है ना। खैर चलो कोई बात नहीं। अब एक बात आप लोगों को ज़रा ध्यान रखनी होगी कि जो वन हॉर्न राइनो आप लोग देख रहे हो ना, जो हमारे वहाँ पर है, ये वल्नरेबल स्पीसीज माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिनती की नहीं है, अब ये वल्नरेबल हो चुके हैं, मतलब अब आपको ये बहुत ही कम दिखेंगे। इसके अलावा भी आपको जो दिख रहा है ना, ब्लैक राइनो, ब्लैक राइनो आप लोगों का लगभग क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वाइट राइनो की अगर हम लोग बात करें तो ये भी थ्रेटेंड है। ये दोनों भी आपके क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, इनकी जो प्रजाति है वो लगभग खत्म होने की तरफ बढ़ चुकी है, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सभी लोग ज़रा याद रखे रहिएगा। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता है कि क्या भारत में सिर्फ और सिर्फ वन हॉर्न राइनो असम में पाया जाता है, तो याद रखिएगा नो, असम, यूपी, वेस्ट बंगाल, तीन जगह भारत के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये वन हॉर्न राइनो जो है तीन जगह पाए जाएंगे, असम, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये इन तीन जगह पर पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर भी चिल्लाते हुए वीडियो बना रही थी अरे जाने दो यार, बना रही थी बनाने दो, उनका हो गया टिकटॉक विकटॉक बना ली होंगी, फायदा हो गया होगा उनको। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये तो हमने देख लिया। अब आपको लगता होगा मैडम बहुत डीप में जा रही है इस खबर में, डीप में जाना जरूरी है बाय चांस। अब देखो बैंक का पेपर बहुत टफ हो गया, पहले की तरह नहीं है कि आपसे पूछेगा असम की राजधानी कहाँ है, काजीरंगा कहाँ पर है, ठीक है, ये सब नहीं है, अब चीज़ों को टफ कर दिया गया है। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार के क्या एफर्ट्स हैं इन्हें कंजर्व करने के लिए, जब इतनी ही इनके महत्व है और इतनी तेजी से ये खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या कोई इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट है? तो है, अगर आपसे पूछा जाए तो मैं बताती हूँ, कंजर्वेशन एफर्ट। देखो सबसे पहले याद रखिएगा, मैं जरा पेन का कलर चेंज कर लूँ, मुझे मज़ा आती है खूबसूरत लिखने में, खूबसूरत तो मैं लिखती हूँ। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा आप लोग कि एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो किया गया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनो, ये एक तरीके का डिक्लेरेशन है, एक तरीके का ट्रीटी है, जिसमें पांच देश सदस्य बन करके, और इनका बेसिक एम है कि राइनो को क्या किया जा सके, इन्हें बचाया जा सके। तो एक तो ये पॉइंट याद रखे रहेगा, इसमें कौन कौन सी देश होती हैं, IBNIM, इब्निम, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो मैंने क्या कहा, इब्निम करके याद रखे रहो, अगर बाई चांस आपके एग्जाम में पूछा तो आप कर सकोगे, चाहे आरबीआई ग्रेड भी देने जा रहे हो ना, वो भी आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा सरकार ने नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी शुरू किया हुआ है, ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो जाता है, नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, इसको 2019 में शुरू किया गया था, ये भी याद रखे रहो, कंजर्वेशन स्ट्रेटजी स्टार्टेड इन 2019। एक और पॉइंट है बस, वो याद रखे रहो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है इंडिया राइनो विजन 2020, ठीक है, इंडिया राइनो विजन 2020। तो ये तीन, एक्चुअली पांच हैं लेकिन मुझे दो याद नहीं आ रहे हैं, ये तीन मुझे याद हैं, याद रखिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जिनको शुरू किया गया था टू कंजर्व राइनो, ठीक है, तो ये कंजर्वेशन एफर्ट्स हो गए हमारे भारत की तरफ से। ओके चलो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, कुछ बुरा लगा, ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नाउ नेक्स्ट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मिल करके एक MOU साइन किए हैं ताकि एजुकेशन कंटिन्यू किया जा सके अग्निवीर्स के लिए, ठीक है, तो
क्या हो रहा है बेसिकली, इन लोगों ने एक एमओयू साइन कर लिया है, और एमओयू साइन करने का मकसद है कि एजुकेशन फैसिलिटी दी जा सके किसको, अग्निवीर्स को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अग्निवीर्स के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, ये अभी लाई गई थी कि लोग क्या कर सकते हैं, सर्विस पीरियड रख सकते हैं और बहुत अर्ली एज में रिटायरमेंट ले सकते हैं, आर्मी को आप लोग सर्व कर सकते हो। ठीक है, लाने की ज़रूरत भी थी, अच्छा डिसीजन था, लेकिन जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे शायद वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। ओके, तो ज़रा देखिएगा सभी लोग ध्यान से, सबसे पहले हम समझ लेते हैं अग्निवीर्स को, ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि अग्निवीर है क्या, ये कैसी स्कीम है, क्यों इसकी शुरुआत की गई थी। अब एक बात बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास में है, बहुत ही दो कौड़ी का सवाल है, लेकिन आप लोग बिल्कुल बता सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है, आंसर करो सभी। क्यों भागा जा रहा है, हाँ अगर तुम लोग इनका नाम नहीं जानते हो तो फिर तो इनकी क्या है, तो फिर तो इनकी कड़ी निंदा हो गई है, तो है ना। चलो तो ध्यान दो जरा सभी लोग कि अभी अभी हमारे वहां पर क्या हुआ था, एक अग्निपथ स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, अब अग्निवीर्स को भी लाते हैं, पहले हम लोग समझेंगे अग्निपथ स्कीम, इसकी शुरुआत की गई थी, और इसमें क्या होगा, सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा, जो सोल्जर्स रिक्रूट होंगे वो आर्मी एयरफोर्स और नेवी में होंगे, किसमें किसमें, आर्मी एयरफोर्स और नेवी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा, बेसिकली एक तरीके का पेट्रियोटिक मिशन था जहाँ पे सोल्जर्स आर्म फोर्सेज में सर्व करेंगे। ठीक है, 4 इयर्स के लिए इन्हें सर्व करना था, 4 साल के लोग सर्व करेंगे, और जो लोग इसमें होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, ये बातें आप लोगों को याद होंगी। इसमें बताया गया लगभग 45 से 50 हज़ार तक क्या किया जाएगा, 45 से 50 हज़ार तक लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, और जो लोग भी 4 साल में रिक्रूट होंगे उसमें से केवल 25% को सरकार क्या करेगी, रिटेन करेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखे रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी अपनी थी, वो सब हमें नहीं याद रखना, ये याद रखे रहेगा कि जो भी 17.5 से लेके 23 इयर्स तक का था वो इसके लिए एलिजिबल था। ठीक है, और इसके बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, वो लोग फिर रिटायर हो जाएंगे, जब रिटायर होंगे तो उन लोगों को सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा 11.71 लाख का। ठीक है, तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट याद रखने वाले, जैसे आप देख सकते हो कि अग्निपथ स्कीम लाई गई थी, इसमें जिनको रिक्रूट किया जाएगा अग्निवीर कहलाएंगे, ये सोल्जर्स होंगे जो आर्मी एयरफोर्स नेवी में होंगे, 4 साल के लिए अपॉइंट होंगे, इनमें से 25% को सरकार रिटेन करेगी यानी वो बाद में भी रहेंगे, और 17.5 से लेकर 23 ईयर्स तक के लोग रिक्रूट होंगे, 11.71 लाख इन्हें दिया जाएगा, 48 लाख ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा यहाँ पे, और क्या किया गया था, हाँ यहाँ पर 48 लाख का इंश्योरेंस भी दिया जा रहा था। क्या कोई बता सकता है कि इंश्योरेंस देने वाली कौन सी कंपनी थी, किस कंपनी ने इंश्योरेंस देने को कहा था, बताइएगा। तो अभी जो ये अग्निवीर को अपॉइंट किया जा रहा है, पॉइंट क्या आया है, पॉइंट ये आया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इन्होंने मिल करके कहा है कि हम लोग एक एमओयू साइन कर तमाम और लोगों के साथ में, हमारा इस एमओयू को साइन करने का मकसद है कि जो भी एजुकेशन है अग्निवीर्स की ये हम कंटिन्यू करा सके, यानी ये आर्म्ड फोर्सेस में काम भी करते रहें और उसके साथ ही साथ में इनकी एजुकेशन भी कंटिन्यू हो सके। इन एमओयूज़ के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, सूटेबल 12th क्लास सर्टिफिकेट बैचलर्स डिग्री इन अग्निवीर्स को देगी, क्योंकि ये एक पॉइंट आ रहा था ना कि ये तो मेन एज होता है जब बच्चों को अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करना होता है, इस टाइम पे अगर चले जाएंगे फिर आएंगे तो फिर वो लेट हो जाएगा, तो कहा गया नहीं, हम लोग एजुकेशन आपके इसमें कराते रहेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपकी एजुकेशन नहीं हुई। ठीक है, खैर तो ये देखो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये लिखा हुआ यहाँ पे बहुत क्लियरली, ये दोनों से 12th क्लास की सर्टिफिकेट और अवार्ड किया जाएगा ये अग्निवीर्स को। अग्निपथ एक गेम चेंजर स्कीम था आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इन सब में हमें नहीं जानना है, हमें बस ये जानना था अग्निपथ स्कीम क्या थी, अग्निवीर्स कौन कहलाएंगे, और मोर ओवर हमें ये जानना है कि फिलहाल में एमओयू क्यों साइन किया गया है।
ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें जानने थे। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये किसके पास में हो जाती है, ये हो जाती है राजनाथ सिंह जी के पास में, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये किसके पास में है, सोनोवल जी के पास में है। सोनोवल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है बताइएगा, वॉट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सर्बानंद सोनोवल जी, आंसर एवरीवन। ठीक है चलो, एक आंसर आया मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी, और फिर मुझे बाकी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं आसाम, ठीक है। एक बात बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास में है, सर्बानंद सोनोवाल जी के पास में, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में, ये बताओ पहले सोचो। सब लोग मुझे बता रहे हो असम असम असम, लेकिन एक बड़ी छोटी सी पॉइंट आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एग्जैक्टली है किसके पास, इसलिए मैं बहुत फ्लो में इस बात को बोल रही थी कि तुम लोग कंफ्यूज होते हो या नहीं होते, और मैं बहुत ध्यान से यहाँ पे कमेंट्स भी देख रही थी कि आपके कमेंट्स क्या आते हैं। एक बच्ची ने आंसर किया धर्मेंद्र प्रधान, उसके बाद में मुझे सबके आंसर मिल रहे थे असम असम असम। अब जरा सोचो और बताओ हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, लेकिन सोनोवल तो आंसर भी नहीं था ना। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, फिलहाल में ये किसके पास में है, तो ये अभी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है हमारे वहां पे प्रधान साहब हैं, कौन है, ये हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान जी। मेरा आपसे क्वेश्चन था इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, तो ये आप लोग बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं नहीं जानती इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, तुम लोग मुझे बताना, ठीक है दोस्तों। किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, ओडिशा ओडिशा देवगढ़, चलो ठीक है, ये पॉइंट जरा याद रखे रहना। पता है देखो मैं क्यों आपसे इन बातों पे फोकस कर रही हूं, हमने एक पूरी न्यूज पढ़ ली थी कि ऐसा 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 हो रहा है, और हमने ये भी देख लिया कि हाँ इसके कोई मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको हर एक चीज को नहीं खोल कर पढ़ेंगे तो वो एग्जाम में हमारी हेल्प नहीं करेगा। तो अगर हम लोग छोटे छोटे से पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे ना न्यूज़ के साथ, वो जाके हमारे लिए बहुत खतरनाक बन जाता है। इसलिए मैं ऐसे छोटे पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आपको कई बार ऐसा लगता होगा बहुत ही यूजलेस बात है, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, पर इसे डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी बातों में छोटी बातों को भूल जाते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो हमें ऐसी किसी भी बात को भूलना नहीं है, उन्हें बाई हार्ट याद करके रखना है, ताकि अगर कल को एग्ज़ाम में आए तो हम लोग आसानी से उसे कर सके, है ना। चलो अब जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट की भी बातें हुई है ना, लेकिन कौन है, किसके पास में ये मिनिस्ट्री है अभी में, इसको भी बहुत लोग शायद ना बता पाए। किसके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बताइएगा, जो ये हैं वही ही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी सेम धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, देवगढ़। ओके चलो अगला देखो, अगली खबर में आप देख सकते हो जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, इन्होंने लगभग 28 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेडिकेट किया अपने नेशन को, ठीक है। और ये कहाँ पर किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी अभी डेडिकेट किया, अपने नेशन के नाम किया है 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। किसका ये प्रोजेक्ट था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोजेक्ट था, और इसकी जो पूरी जो 28 प्रोजेक्ट हैं, मतलब अलग अलग 28 इंफ्रा बनाए जाएंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इसका जो ओवरऑल कीमत है ये कितना है, ये है 724 करोड़, यानी 724 करोड़ में लागत दी गई है जो बनवाया जाएगा। अब ये जो पूरा इवेंट चल रहा था जहाँ से इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, ये कहाँ पर हो रहा था, सियोम ब्रिज अलोंग यिंकियोंग रोड इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये कहाँ हुआ है, सियोम ब्रिज अलोंग यिंकियोंग रोड इन अरुणाचल प्रदेश। अब जो प्रोजेक्ट हैं ये 28 टोटल प्रोजेक्ट हैं, इसमें 22 ब्रिजेस बनाए जाएंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो।
आठ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लद्दाख के अंदर होंगे कंप्लीट, पांच होंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, चार जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट हैं, तीन सिक्किम के, पंजाब के और उत्तराखंड के हैं, और दो राजस्थान में, यानी जो डिवीज़न है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सियोम ब्रिज स्टेट ऑफ 800 मीटर लॉन्ग होगा, क्लास 70 स्टील आर्क सुपर स्ट्रक्चर, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि सियोम ब्रिज इतना बार आ रहा है तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर लोकेटेड होगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ठीक है, ये एक तरीके का मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करेगा, मेडिकल सर्जिकल इमरजेंसीज में टेली मेडिसिन कंसल्टेशन स्पेशलिस्ट एट सर्विस हॉस्पिटल यूजिंग सैटकॉम। ठीक है, तो इतना हमें नहीं जानना है अभी फिलहाल में, बस ये याद रखना है कि फिलहाल में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं ये 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए हैं, और इसका इनॉग्रेशन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी कीमत थी 724 करोड़। ठीक है, देखो जब आप लोग हिली एरियाज में जाओगे तो वहां पर बहुत मुश्किल, मतलब कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल है, वहाँ के लोग तो तब भी कुछ मैनेज कर लेते हैं, हम जैसे लोग वहाँ पर जाएँ तो बड़ा लगेगा कि ये कैसी जगह, यहाँ तो मैं शायद ना मैनेज कर पाऊँ। ठीक है, ख़तरनाक होता है, ऐसे चढ़ाई वढ़ाई बर्फ गिरते रहते हैं, तो कनेक्टिविटी रोड की ख़राब है, तो बहुत सारे खतरे हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आप देखो वहाँ पर भी बहुत सारे खतरे रहते हैं ऐसे, एक तो जो हमारी बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से अपने देश में कनेक्टिविटी अच्छी बनानी है, ताकि वहाँ के लोग अगर इधर आना चाहते हैं किसी भी छोटे छोटे काम के लिए, वो आसानी से की जा सके। सरकार ने बहुत समय पर कई बारी, चाइना का रोड है क्या मैम, चाइना का रोड यहाँ कहीं मेंशन नहीं था, वो ऑलरेडी उस पर सरकार बनवा चुकी है। ठीक है, जो कनेक्टिविटी वहाँ से स्ट्रॉन्ग करती है वो ऑलरेडी करा चुके हैं। फिलहाल में जो हो रहा है ये सियोम ब्रिज है, और इसको सियोम रिवर पे ही बनाया जा रहा है, तो इस नदी के ऊपर इस ब्रिज को बना दिया जाएगा, ताकि जो लोग उसके दूसरी साइड रहते हैं वो इधर आ करके अपने जो भी उनके काम है वो आसानी से कर सके। कहाँ पर ये सब बन रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। अब एक क्वेश्चन और जो यहाँ से पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है सियोम रिवर है कहाँ, ये एक सवाल बन सकता है, तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आपको एक चीज़ लगती होगी कि मैडम हर क्वेश्चन में एक नया क्वेश्चन निकालते हैं, लेकिन फिर से मेरा एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आंसर करो। नहीं बताओगे, अभी से बोलेंगे बता तो रहे हैं, ईटानगर ईटानगर ईटानगर, इतने लोग बता रहे हो तो शायद सही ही बताते होगे। ठीक है, खैर अब एक बात और आप लोग याद रखे रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ ली है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया है अबाउट BRO एंड 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो जो हमारे वहाँ पर हमारे देश की सीमा लगती है दूसरे देश से, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर, तो जो भी हमारे देश की दूसरे देश से सीमा लगती है इंटरनेशनल बॉर्डर, इसको डेवलप करने के लिए भी सरकार का एक प्रोग्राम है, वो भी ज़रा सुन लो, क्योंकि कई कई बार क्या होता है जो न्यूज़ होता है उससे रिलेटेड उठा करके आपके, ठीक है, उससे कई कई बार ये हो जाता है कि जो न्यूज़ होता है उससे रिलेट करके कुछ पुराना पूछ लिया जाता है, फिर हमें लगता है कि 2 साल पुराना आया था कुछ, 2 साल पुराना नहीं होता है एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में आता है, इसी वजह से कुछ पुराना पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कुछ दिन पहले एक मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनका एक और प्रोग्राम होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ज़रा ये भी देख लिया जाए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का होता है, बेसिकली इनका एक अप्रोच होता है ताकि बॉर्डर मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको रखा जा सके। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसकी शुरुआत आज से नहीं की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 1993-94 से, इसकी शुरुआत हुई है 1993-94 में, और बेसिक इसका मकसद क्या था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉय करना, बॉर्डर को अच्छा मैनेज करना, ये इनका बेसिक एम था, ताकि डेवलपमेंट की जा सके और जो भी लोग उसके आसपास रह रहे हैं उनकी वेलबींग रखी जा सके। अभी चाइना की रोड की बात याद आई तो मुझे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम भी याद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जिसका मकसद होता है कि जो भी लोग बॉर्डर एरिया के आसपास रह रहे हैं उनके हिसाब से उस जगह को डेवलप कराया जाए, उनकी वेलबींग देखी जा सके। इसकी शुरुआत हुई थी 1993-94 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ठीक है। अब देखो पेंशनर एसोसिएशन तहसील,
इतना कुछ याद नहीं रहता तो क्या करें, प्लीज़ रिप्लाई मैम। याद नहीं रहता तो उसको कहीं लिखो, तब भी नहीं याद हो रहा तो सेशन को देखो एक दो बार। सारे सेशन में आओगे तो हम लोग रिपीटेड करते हैं, कुछ रिलेटेड करते हैं, वो आप लोगों को याद होने लग जाएगा। अब जो भी बच्चा यहाँ पे डे वन से क्लास कर रहा है उसे ज़रूर बहुत सारी चीज़ें शायद याद होने लग गई होंगी, मुझे ऐसा आभास है कि नहीं, बताओ दोस्तों, ऐसा होता है कि नहीं? बार बार आप लोग एक चीज़ पढ़ो तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाता है, ठीक है? चलो खैर, अब यहाँ पे हमने एक और भी चीज़ देख ली थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़रा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक दो चीज़ें याद रखी रहेगा कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। इनकी स्थापना हुई है 7 मई 1960 को। इनका हेड ऑफिस कहाँ पर होता है? नई दिल्ली। और इनके फाउंडर जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिलहाल में हम लोग डायरेक्टर जनरल की बात कर लें तो ये राजीव चौधरी जी हैं। कौन है? राजीव चौधरी। अगला देखो, एनटीपीसी ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन को मिक्स करना शुरू कर दिया है पीएनजी नेटवर्क से। तो ये खबर पुरानी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये अभी अभी आया था हाल फिलहाल में, उसका भी यही मकसद था, बॉर्डर एरियाज को क्या करना, डेवलप करते रहना, ठीक है? जो भी आसपास की ऐसी जगह है उनको डेवलप करते रहना। तो गणेश गायतुंडे ने बिल्कुल सही बताया, वाइब्रेंट विलेज अभी हाल फिलहाल का है, ठीक है? खैर अभी ये बात सुनो जरा, एनटीपीसी ने क्या किया है, पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन को ब्लेंड करना शुरू कर दिया है पीएनजी गैसेस के अंदर, ठीक है? तो देखो खबर जरा, एनटीपीसी लिमिटेड ने कमीशन किया भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग है इसको स्टार्ट किया गया है पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क ऑफ एनटीपीसी कवास टाउनशिप सूरत। ये प्रोजेक्ट एक जॉइंट एफर्ट है एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का। जो सेटअप है इसको शुरू किया जा रहा है ताकि H2N2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन वाली आपकी जो सप्लाई है ये हाउस होल्ड्स में किया जा सके कवास टाउनशिप सूरत के अंदर। इस प्रोजेक्ट से इंडिया जो है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल हाइड्रोजन इकोनॉमी के सेंटर पर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो इंडिया जो है ये अपनी हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट बिल को कम करना चाहता है। तो अभी क्या हो रहा है ना, बहुत दिन से इस पे बात चल रही है कि क्यों ना हम लोग जो हमारे वहाँ पे गैसेज होते हैं उसमें क्या करना शुरू कर दें, उसमें हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग शुरू कर दें। तो इस पे कई जगह से बात हो रही थी कई दिनों से कि अगर ऐसा हम लोग करना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए ये हमारे एटमोसफेयर के लिए भी अच्छा होगा और हम लोग कहीं ना कहीं हाइड्रोजन की सेंटर पर आ जाएंगे, एक सेंटर कंट्री बन जाएंगे जो बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वही चीज़ लिखी हुई है कि एनटीपीसी लिमिटेड ने पहली बार कमीशन किया है भारत का ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। और जो ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग है इसकी स्टार्ट की गई थी पाइप नेचुरल गैस में, ठीक है? तो इनको अब ब्लेंड कर दिया जाएगा पाइप नेचुरल, और जो लोगों के घर में पहुंचता है ना पाइप नेचुरल गैस जिससे खाना पकाते हैं उसके अंदर ब्लेंड करके लोगों को ये भेजा जाएगा, ठीक है? खैर एक और भी चीज़ देखिएगा कि जो प्रोजेक्ट है वही है कि इंडिया को सेंटर पर लेकर के आएगा। कहाँ से शुरू किया जा रहा है? तो ये सूरत में शुरू किया जा रहा है। ओके, ये कुछ प्रोग्राम्स, ये कुछ बातें जो आप लोग याद रखे रहेगा। अच्छा सिमिलरली हम लोगों ने अभी अगर आप लोग ध्यान दो तो एक ही एम है कि अपने वहाँ पर ग्रीन सोर्स क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देना, और जो भी ऐसे फ्यूल्स हैं या सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है उसको कम से कम यूज़ करना है ना। तो ग्रीनर क्लीनर सोर्स को बढ़ावा देना हमारा एकमात्र अभी फिलहाल में मकसद है। इसी के लिए सरकार ने एक और प्रोग्राम शुरू कर रखा है, एथेनॉल ब्लेंडिंग। क्या कर रखा है? एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिसके तहत सरकार ने क्या कहा है कि ये 20% एथेनॉल को क्या करेगा, ब्लेंड करेगा पेट्रोल के साथ। तो वो भी एक पॉइंट आप लोग याद रखना। ओके चलो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, आगे बढ़ा जाए, ठीक है? चलो भाई अगला देख लो जरा, यहाँ पे आप लोग एक संस्था देख रहे हो तब से, एनटीपीसी। एनटीपीसी, एनटीपीसी के चेयरपर्सन कौन है, कोई बताएगा मुझे? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एनटीपीसी, कौन है बताइएगा? अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर करो, बाद में हम लोग कोई और बात करेंगे। फिलहाल में ये बताओ, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ एनटीपीसी? गुरदीप सिंह, मुझे एक आंसर मिल रहा है। धीरे धीरे आंसर्स की तरफ बच्चे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो
झारखंड सरकार का कहना है कि ये 9 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स को पढ़ाई की सुविधा देंगे। किसकी सुविधा देंगे? पढ़ाई की सुविधा देंगे। बहुत ज़रूरी है यार, हमारे देश में बहुत खतरनाक हालात हो चुके हैं। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग 9 लाख एडोलेसेंट गर्ल्स को पढ़ाई की सुविधा देंगे। तो ध्यान दो, झारखंड सरकार का कहना है कि हम लोग फैसिलिटेट करेंगे एजुकेशन लगभग 9 लाख जो छोटी बच्चियां उनका सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंदर। ठीक है, तो देखो ये जो योजना है ये अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन कौन जाने बाई चांस कभी आ ही जाए, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक तरीके की योजना होती है। ठीक है, और जो शिक्षा होती है ना छोटे बच्चों की, उनको बढ़ावा देने के लिए इसको झारखंड के जो पहले इनके हेमंत सोरेन के पहले रघुवर दास जी यहाँ के वो हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने इसको शुरू करा था, इस पर्टिकुलर मिशन को शुरू किया था या इस स्कीम को शुरू किया था। इसको शुरू करने का जो उनका मकसद था वो यही था कि छोटी बच्चियों की पढ़ाई पे खास फोकस किया जा सके। फिर क्या हुआ, 2022 में जो मुख्यमंत्री हैं वो सुकन्या योजना को इसी योजना में क्या कर दिए हैं, मर्ज कर दिए हैं या मिला दिए हैं। और अब फिलहाल में उनका मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कि सुकन्या योजना का जो भी लाभ दिया जाता था इसके पहले, सुकन्या स्कीम होती थी उसका जो भी लाभ दिया जाता था वो अब इसके अंदर दिया जाएगा, सावित्री भाई फूले के अंदर, जिसमें छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाई के लिए इनकरेज किया जाएगा। तो ये स्कीम कहाँ की होती है, ये स्कीम होती है झारखंड की। पहली बार शुरुआत किया गया था रघुवर दास जी के द्वारा 2019 में, उसी में सुकन्या स्कीम को मिला दिया गया और अब यही एक स्कीम रह गई झारखंड के अंदर। तो जो भी बेनिफिट सुकन्या समृद्धि के अंदर दिए जाते थे वो अब इसके अंदर दिए जा रहे हैं और लड़कियों को पढ़ने के लिए इनकरेज किया जा रहा है। तो हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि हम लोग इस स्कीम के अंदर लगभग 9 लाख लड़कियां होंगी जिनको इनकरेज करेंगे वो पढ़ें। और वेलफेयर प्रोग्राम जो इसको लॉन्च किया गया था इनके द्वारा पिछले साल अक्टूबर में, जिसमें इन्होंने एक कैंपेन भी रखा था, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ठीक है, एक इनिशिएटिव था ताकि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं वो लोगों की डोर स्टेप तक पहुंच सके, लोगों को उसके बारे में पता चल सके। सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना एक स्टेट गवर्नमेंट का एफर्ट है, जो मैं तब से आपको 1000 बार बता चुकी। तो ये किस राज्य में है, कौन लेकर आया है, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चियाँ होती हैं ना 8 से लेकर के 12 तक, उन्हें कुछ ना कुछ याद रखिएगा, 8 से लेकर 12 तक जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है कि वो क्या कर सकें, वो पढ़ाई कर सकें। ठीक है, इसके अलावा ये भी पॉइंट याद रखे रहेगा कि कौन से स्टेट का है, मे बी ये सब आप लोगों से पूछ लिया जाए। ओके, कितने कितने दिए जाते हैं, तो जो 8 और 9 में होती हैं, जो क्लास 8 9 में होती हैं, इनको 2500 रुपये दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जो 10 11 12 में होती है उनको 5000 दिया जाता है, इतने पैसे दिए जाते हैं इनको। ठीक है, और एक और भी बात याद रखी रहेगा, जब ये लोग 18 साल के पूरे हो जाते हैं तब जाकर के इनको एक साथ में 20000 दे दिया जाता है। तो ये है कि इनको पैसे दिए जाते हैं कि भैया आप पढ़ो, सरकार आपके पढ़ाने में आपकी मदद कर रही है। ओके, तो वो योजना थी और इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम लोग 9 लाख लड़कियों को पढ़ाएंगे। ओके, अब मुझे एक बात बता दो, झारखंड के गवर्नर कौन है? मैं आपसे क्वेश्चन बहुत पूछती हूँ लेकिन क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, झारखंड के गवर्नर का नाम बताओ। नहीं बताओगे, अभी सब बोलेंगे मैम बता तो रहे हैं, सही भी बात है, सब बताते रहते हैं। रमेश बायस, चलो तो ज़रा हम लोग बातें कर लेते हैं झारखंड की, खंगाल की जो कहा जाता है। ठीक है, देखो आप सभी को एक बात पता होगी कि जो झारखंड है ये ईस्टर्न इंडिया का एक पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में आपको ये स्टेट मिलेगा, ये शायद आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ी सी और बातें कर लें तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये हुई थी 15 नवंबर 2000। क्यों मैंने आपको फॉर्मेशन बताया, क्योंकि 15 नवंबर अभी हाल फिलहाल में ही था, तो मे बी आप लोग जब अपीयर करो अभी SBI क्लर्क और PO और क्लर्क के लिए तो ये क्वेश्चन उठ जाए, है ना। इसके अलावा अगर आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है ये जमशेदपुर है, गवर्नर का नाम होता है रमेश बायस। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं, ये होते हैं हेमंत सोरेन, जो आप सभी लोगों को पता होगा। एक यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होती हैं 81, लोकसभा की सीट्स होती हैं 14 और राज्यसभा की सीट्स होती हैं कितनी 6।
झारखंड हाई कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट होता है, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक क्वेश्चन रह जाता है जो हमें करना होगा। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैम, सी यहाँ पे हम लोग जो है ना बेसिकली एक्सप्लेनेशन तो ऐसे हिंदी पार्ट पर ही रखते हैं, क्योंकि इंग्लिश का कोई ऐसा स्टूडेंट है नहीं, इसलिए हम लोग उसे हिंदी पार्ट पर ही अपना रख के रहते हैं। ओके हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि फिलहाल में कौन चीफ जस्टिस है, इनका नाम है अपरेश कुमार सिंह, अपरेश कुमार सिंह। ही इज द करेंट चीफ जस्टिस। ओके, गवर्नमेंट और एडीबी ने साइन किए तमाम तरीके के लोन अग्रीमेंट ताकि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसको बेहतर किया जा सके। तो किसने किसने किया है, ये किया गया है गवर्नमेंट और एडीबी के द्वारा, जरा ध्यान दीजिएगा। तमाम तरीके के लोन अग्रीमेंट को साइन किया गया भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एक लोन अग्रीमेंट था जिसकी कीमत थी 350 मिलियन US डॉलर, इसको किया गया ताकि जो महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी है ये सही की जा सके। फिर एक लोन अग्रीमेंट रहा था 300 मिलियन US डॉलर का, इसको यूटिलाइज किया जाएगा ताकि 300 किलोमीटर अच्छी हो सके असम के अंदर। 220 मिलियन डॉलर का लोन अग्रीमेंट किया गया है ताकि एनर्जी सिक्योरिटी क्वालिटी सप्लाई बेहतर की जा सके त्रिपुरा के अंदर। और लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है 350 मिलियन US डॉलर का ताकि नए लाइंस बन सके और कनेक्टिविटी अच्छी हो सके चेन्नई के अंदर। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको साइमल्टेनियसली साइन कर दिया गया है भारत सरकार और एडीबी के द्वारा। ठीक है, एडीबी ने इसके, एडीबी से रिलेटेड हमने बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी कर रखी हैं। ठीक है, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए बन जाता है वो ये हो जाता है कि एडीबी ने कितनी जीडीपी ग्रोथ बताई है। ये एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि एडीबी के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी भारत की। ठीक है, यहाँ ज़रा पीछे आ जाते हैं। तो अगर हम बात कर लें, एडीबी ने फिलहाल में 7% जीडीपी ग्रोथ बताई है, किसकी, इंडिया की। ओके, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की, इसके पहले इन्होंने ज़्यादा रखे थे लेकिन अभी एकदम से कम कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और भी पॉइंट याद रखे रहेगा कि एडीबी के चीफ का नाम होता है मासात्सुगु ओसाकावा, ये चीफ होते हैं, 1966 में बनाई गई थी और इनका हेड ऑफिस मनीला फिलीपींस के अंदर है। अभी अभी इन्होंने एक अवार्ड दिया गया था प्रोक्योरमेंट और बेहतर मैनेजमेंट के लिए, किसको ये अवार्ड दिया था, वेबकॉस। ठीक है, वेबकॉस को अवार्ड दिया गया था, याद रखे रहना। चलो अगला देख लें। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल, ये एग्जाम में आने के कम चांसेस हैं लेकिन अगर आ गया तो आप लोग एटलीस्ट बता सकोगे कौन सी राज्य का है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम या मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना बागपुरा पंचायत ऑफ तिकमांगर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे इन्होंने फ्री लीज दिया है रेसिडेंशियल लैंड का। ठीक है, यानी उसको जो किराए वगैरह पर देना है फ्री में दिया है रेसिडेंशियल लैंड का कुछ बेनिफिशियरीज को। जो भी बेनिफिशियरी को दिया गया है इन्हें एक लैंड का प्लॉट दे दिया गया है। ठीक है, लगभग 600 स्क्वायर फीट का, ताकि अपना घर बना सकें। तमाम जो स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, इसके अंदर ये क्या कर सके, अपना घर बना सके यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इन्हें ये प्लॉट दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग देख सकते हो, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, कैपिटल क्या है, भोपाल। गवर्नर का नाम क्या होता है, चंगू मंगू से तुम लोगों को याद रहते हैं, गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के, बताओ दोस्त। अब सिर्फ एक और खबर है हमारे पास, फिर छुट्टी। चलो गवर्नर का नाम बता दो मुझे, अगली खबर देखो, ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। मंगू भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल, नहीं पता, और मंगू, जैसे हमारे घर पर रहते हैं चंगू मंगू ऐसे बताते हो तुम लोग। मंगू भाई पटेल, मंगू भाई पटेल,
देखो सीएम तो आप सभी लोगों को पता होंगे कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये सीएम आप सभी लोग जानते होंगे इन सभी को, इन लोगों को, ठीक है। गवर्नर का नाम याद रखे रहो भाई, मंगू भाई सी पटेल, ठीक है, ये आपके गवर्नर हो जाते हैं। खैर चलो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आर्मी ने पहली बार डिप्लॉय किया एक महिला ऑफिसर को सियाचिन ग्लेशियर कुमार पोस्ट पर, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अभी तक हम लोग ये देखते थे जो महिलाएं वगैरह डिप्लॉय होती थी ये बेस कैंप पर होती थी, लेकिन इस बार सीधा सीधा उन्हें जहां वॉर होती है या जहां पे प्रोटेक्ट करना है सीधा सीधा वहीं पर इन्हें क्या कर दिया गया है, डिप्लॉय कर दिया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी, बताइएगा हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी। धीरे धीरे आंसर्स आते हैं बच्चों के, तो ज़रा ध्यान दो, पहले पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपसे एक दो और बातें डिस्कस करूँगी। ये आप लोग देख सकते होगे यहाँ पर, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया है, ठीक है, ये लद्दाख दिख रहा है, अक्साई चिन है, ठीक है। इन जनरल क्या होता है, यहीं पर आप लोग जब लड़ाई वड़ाई देखते होगे तो वो इधर ही के एरिया में आपको दिखता रहता है, ठीक है। अक्साई चिन जो भारत से लिया जा चुका है, ठीक है, या मतलब इस पर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी चाइना और भारत के बीच में, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। अब इसके अंदर एकदम से वो कुमार पोस्ट सही से आ नहीं पाया, मतलब दिख नहीं रहा है आप लोगों को, और सही से आया नहीं वरना मैं आप लोगों को और दिखाती, ठीक है। खैर चलो, अभी आप लोगों को मैप मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी मार्क कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, ठीक है। ज़रा देखो, मेरा मकसद जो था इस मैप को लगाना वो वहाँ पर आपको क्लियर दिखाना, कुमार पोस्ट -60 डिग्री भी होता है, -25 कुछ नहीं है, -60 डिग्री भी जाता है वहाँ पे लोग डिप्लॉयड हैं, ठीक है। लेकिन कुमार पोस्ट सही से आ नहीं पाया, ये प्रॉब्लम हो गई आज के मैप में। खैर चलो, कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है, इंजीनियर्स कॉप से क्या की गई हैं, पोस्ट की गई हैं कुमार पोस्ट, कहाँ पर, कुमार पोस्ट पर। अब ये जो आप लोग नाम देख रहे हो ना, कुमार पोस्ट, कुमार पोस्ट नाम क्यों है, इसको नाम दिया गया है नरेंद्र बुल कुमार जी के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़रा लिख देती हूँ, जो ये कुमार पोस्ट है इसका नाम दिया गया है नरेंद्र बुल कुमार जी के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर ये नाम दिया गया। ये रिटायर्ड हैं, बेसिकली इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था अपना ऑपरेशन मेघदूत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है, इंडियन आर्मी ने अपना लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघदूत, और ये जो ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया गया था इसका मकसद यही था ताकि जो सियाचिन ग्लेशियर है उसको हम क्या कर सकें, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। तो 13 अप्रैल 1984 को ये लॉन्च किया गया था, इसमें कुमार नरेंद्र बुल कुमार जी के बहादुरी के बहुत सारे किस्से हैं, ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं ऑपरेशन मेघदूत के दौरान। तो एक पर्टिकुलर पोस्ट है उसका नाम कुमार पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोग ये चीज़ देख सकते हो, अब ज़रा ध्यान दो सभी कि पहली बार एक महिला को आपको क्या किया गया है, इनको पहली बार एक महिला को कुमार पोस्ट पर क्या किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, और ये कितनी ऊंचाई पर है, 15,632 फीट की ऊंचाई पर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की खास बात ये होती है कि ये विश्व का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, यानी इससे ऊंचाई पर कोई और लड़ाई का क्षेत्र या युद्ध मैदान नहीं है, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध मैदान होता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक आर्मी वुमेन ऑफिसर को ऑपरेशनली पोस्ट कर दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर के एक्चुअल पोस्ट पर। इसके पहले अगर कभी भी किया जाता था तो लोगों को बेस कैंप पे किया जाता था, लेकिन इस बार एक्चुअल पोस्ट पे कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि इसके पहले वुमेन ऑफिसर्स को सियाचिन की बेस कैंप पे डिप्लॉय किया जाता था जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर है, पर इस बार जो है एक महिला को एक्चुअल पोस्ट कुमार पोस्ट पे डिप्लॉय कर दिया गया है जो कि 15,632 फीट पर है। कैप्टन चौहान जी राजस्थान से हैं, बंगाल से पर ऑफिसर, इन्होंने अपनी स्कूलिंग उदयपुर से की है, बैचलर्स डिग्री इनकी सिविल इंजीनियरिंग में। कुमार पोस्ट जो नॉर्दर्न ग्लेशियर बटालियन है इसका क्या होता है, इसका हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर होता है, ठीक है। चलो, किसी को कोई दिक्कत दुख परेशानी, सब कुछ ठीक,
सब कुछ ओके है? ओके अब एक चीज और मुझे आप सभी लोग बताइएगा, आर्मी डे कब सेलिब्रेट होता है? जो लोग भी सेशन में हो, इतनी बातें बता दिए तो जरा ये बताओ कि हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है? सभी लोग बताइएगा। यस ठीक है। चलो अभी अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड और भी, जैसे ऑपरेशन मेघदूत को ये भी बताया जाता है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूड ऑपरेशन पूरे विश्व का पहली बार है जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक और भी बात है, मैं इस पर्टिकुलर पे कि इनको अभी अभी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया, इससे रिलेटेड एक सेशन भी बनाने वाली हूँ जहाँ पे मैप में मैं आपको चीज़ों को दिखा दूंगी। आज मेरी कॉन्टिन्यूस क्लास है, बट इन केस आई एम गेटिंग द चांस तो मैं ज़रूर इसको बनाकर आज आपके सामने भेज दूंगी ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, नाम शिवा चौहान नाम है भाई जिनको यहाँ पर भेजा गया है, शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, पहली महिला ऑफिसर जो ऑपरेशनली डिप्लॉय की गई है कुमार पोस्ट, कैप्टन शिवा चौहान, यही नाम है। ओके चलो अभी तक क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना? ओके चलो अब जरा हम लोग देख लेते हैं आज की अपनी खबर को। इंडिया जो है लीडरशिप लेने वाला है एपीपीयू का, एपीपीयू का हेड ऑफिस कहाँ है? चाइना, यूएसए, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। एक एमओयू साइन किया गया है कोलाबोरेटिव और स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट जिसको साइन किया गया है एचसीएल और किस इंस्टीट्यूट के बीच? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी धनबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की या आईआईटी खड़गपुर। टोटल नंबर ऑफ पोचिंग इंसिडेंट्स कितने हैं वन हॉर्न राइनो के? ठीक है, 10, 25, 50, 0, 100। 2022 की बात आपसे पूछी जा रही है। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी बैचलर सर्टिफिकेट देने वाली है जो एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में ताकि अग्निवीर्स को डिग्री दी जा सके? दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, नालंदा या राजीव गांधी? कौन से स्टेट में सियोम ब्रिज इनोग्रेट हुआ? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? अभी अभी एनटीपीसी ने कमीशन किया भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट, कौन सी राज्य, कौन से शहर में? मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर, सूरत। कौन से स्टेट ने बताया है कि इनका मकसद है कि एजुकेशन लगभग 9 लाख लड़कियों को दी जा सके सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के अंदर? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या वेस्ट बंगाल? अभी अभी भारत सरकार ने एडीबी के साथ लोन अग्रीमेंट साइन किया है $300 मिलियन का ताकि 300 किलोमीटर किस राज्य के हाईवे में निवेश किया जाए? असम, मेघालय, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम? कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है रेजिडेंशियल लैंड राइट स्कीम? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल? कौन पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जिसको बनी है जिन्हें डिप्लॉय किया गया सियाचिन वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड पे? माधुरी कनितकर, शिवा चौहान, राजश्री रामसेतु, आरती सरीन या नन? तो ये हमारी आज की क्लास थी, अगर आपको अच्छी लगी तो बताइएगा, कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो वो भी बताइएगा। हम फिर से अपनी कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए। और हाँ, मैंने जैसे आपसे पूछा था, जो भी आप लोगों को लगता है कि बेस्ट सूटेबल टाइम है 5, 8 और 10, प्लीज़ बताइएगा, उसके हिसाब से मैं अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकूँगी। ठीक है, तो वो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा। तब तक घर पे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।